हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू डियर मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। यस यस, टुडे इज माय हैप्पी बर्थडे, सुखी सुखी। हैप्पी बर्थडे टू मी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं ज़रूर तो ज़रूर बताइएगा। भैया आज मेरा बर्थडे है और इसी खुशी में आप लोग मुझे गिफ्ट कर दें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जो न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज प्रॉपर वीडियो। मेरा बर्थडे जो था 18 अगस्त को था, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है ना ये वाला शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर जो टेंशन बनी हुई थी कुछ दिन, तो मैं उसी टेंशन में थी। देखा जाए तो यकीन करें मैं अभी तक इस टेंशन में हूँ, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सितारा की फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे और सितारा के लिए भी आसानियाँ पैदा, सितारा की फैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे, सितारा के लिए करे, सितारा के स्पेशल बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे। आज प्रॉपर ब्लॉग, अजान स्टार्ट हो गई है, असर का टाइम है तो अजान स्टार्ट हो गई है, तब तक अजान जो है वो ख़त्म हो जाए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं, तो साथ इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर अपना ब्लॉग। अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो है जनाब अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक के साथ। आपको पता है जब भी सुबह उठती हूँ सबसे पहले मैं ये ड्रिंक लेती हूँ, तुख मलंगा वाला। और इसके जो फ़ायदे हैं मेरा नहीं ख्याल का मुझे बताना पड़ेगा, मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कितना हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो जो लोग नहीं ले रहे तो प्लीज़ वो लोग ये आज से स्टार्ट कर लो और डन कर लो कि हमने जो है ना अर्ली मॉर्निंग उठते सबसे पहले ये पीना है और उसके बाद कोई काम करना है। मैं जब भी उठती हूँ सबसे पहले मैं ये पीती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, या कभी ऐसा होता है पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर उसके बाद ये पीती हूँ। नाश्ता जो है तकरीबन मैं 11-12 बजे करती हूँ। ये आपके वेट लूज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रिंक है। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से प्रॉपर जो थी ना वो यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, अपने व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं, मेरी वीडियो पे इतने मैसेज आते हैं कि आप ही प्लीज़ आप जो है ना आप किधर हैं, और आप अगर वीडियो शेयर कर रही हैं तो आप सितारा से रिलेट जो है वो वीडियो क्यों शेयर कर रही हैं, आप अपना कॉन्टेंट लेके, हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, हमें सिर्फ आपको ही देखना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो सितारा का टॉपिक है, अच्छा मैं ये बात कंप्लीट यहाँ पे करती हूँ। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये मैंने पार्सल जो है ना मेरा दराज से आया, ये मैंने अपना ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो मुझे मंगवाना था वो मंगवाया। आपको पता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है इसकी कितनी ज़रूरत होती है, तो मेरे पास एक बड़े वाला स्टैंड था जो मुझे आयशा ने दिया था, लेकिन ये था कि मेरा उससे गुजारा नहीं हो रहा था, मुझे ये भी चाहिए था। और ये मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि कुछ चीज़ें मैंने बड़ी सेल लगी थी तो मैंने उधर से ऑर्डर की हुई थी, मुझे वो नहीं मिली। और अभी मैंने आज़ादी जो सेल थी उधर से भी मैंने कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑर्डर की हैं। तो मैं आप लोगों के साथ, मैं हमेशा जब सेल लगती है तब चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो 500 की चीज़ होती है वो आपको 200 में आसानी से मिल जाती है और मैं फिर वो फ़ायदा उठाती हूँ। अच्छा, बात अधूरी रह गई थी, बात वो ये कंप्लीट करते हैं कि मुझे सब कह रहे हैं कि आप सितारा के टॉपिक पे आपने क्यों बात बोली, आप सितारा की साइड ले रही हैं, आप सलमा की साइड ले रही हैं। आप वो वीडियोस देख सकते हैं ना, तो मैंने सितारा की साइड ली है ना मैंने सलमा की साइड ली है। हाँ, एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, और हाँ मुझे इंसानियत के नाते मुझे तकलीफ थी, बहुत तकलीफ सितारा की फ़ोटो देख के हुई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं अगर वो तस्वीर को देखूँ ना तो अभी फिर से मेरी जो बाटी है ना वो कांपना शुरू हो जाएगी, और मैं पता नहीं क्यों मैं नॉन स्टॉप जो है ना मेरा रोना बंद नहीं होता। ये सब चीज़ें एक तरफ, मुझे नहीं पता सितारा सलमा के अंदर क्या चक्कर है, क्या स्टोरी है, मैं उनको नहीं जानती हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इंसानियत के नाते ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें एक तरफ, सब चीज़ें डीफेम होना, फेम होना, सब चीज़ें एक तरफ। जो चीज़ मुझे ज़्यादा, जिसने मुझे परेशान किया वो उनके बच्चे थे। अगर वो बच्चे अपनी माँ की तस्वीर देखते हैं इस हालत में, कोई भी बच्चा, मैं अगर अपने आप को वो स्टेज पे रख के सोचूं तो आप यकीन करो कि मैं अपने बच्चों को, ज़ोर से मैंने अपने बच्चों का हाथ ग्रिप करके मैं इतना रोई। अल्लाह ना करे कि किसी बच्चों की माँ को ही बच्चों की माँ ऐसा करे, और किसी भी बच्चे को अपनी माँ को इस हालत में देखना पड़े। यहाँ पे अनाया जो है ना वो, उसको मैं कटिंग करना सिखा रही थी और उसको बोल रही थी कि अनाया बाप बेटे बड़ी हो चुकी है, मेरे साथ थोड़ी बहुत ना किचन में हेल्प किया करो, मामा थक जाती हैं। तो वो कह रही थी जी मामा मुझे भी, मैं भी चाहती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँ। तो उसको मैं बोल रही थी कि एप्पल जो है ना उसको कट करो, तो उसने एप्पल को ना
काफ़ी सारा वो ज़ाया कर दिया। तो मैं उसे बोल रही थी ये एप्पल मतलब इतना खाने का नहीं छोड़ा जितना तुमने ज़ाया करने का छोड़ा है। लेकिन एनीवेज ऐसे ही बच्चियों को बेटियों को ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब करना आता है। और यहाँ पे फिर मैं उसे बता रही थी इतना दूध डालते हैं और ये देखो दूध थोड़ा ज़्यादा पड़ गया और इतनी क्वान्टिटी में चीनी डालते हैं। तो अनाया जब भी किचन में मेरे साथ होती है उस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करती है। और आयतल जो है ना ज़्यादा वैसे आयतल मेरी ज़्यादा हेल्प करती है और फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमने मामा के साथ काम किया है और मामा जो ना वो थकेगी नहीं। बस बच्चों को ये होता है हमारी मामा थके ना, और मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना कह रहे थे कि आज हमने मैकरोनी जो है ना वो खानी है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं आपको बना देती हूँ। और जिस दिन से ये सितारा का टॉपिक है ना, आप यकीन करो कि उस दिन से लेके ना मेरे पास तो प्रॉपर एक तो कुछ खाना पीना अच्छे से नहीं था। आप यकीन करो, ट्रस्ट मी यहाँ पे शाम का टाइम है, ट्रस्ट मी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। हमने घर में प्रॉपर एक दिन मसर चावल बनाए और वही उस दिन से तकरीबन दो तीन दिन से हम वही जो है ना वो चला रहे हैं। और ये मैकरोनी बनाई थी और चाय वाये तो वो चलती है आपको पता है। तो बस दिमाग जो था ना वो अभी तक उस स्टेज पे उस हालत में नहीं आ रहा। जो मेरा बर्थडे था, बच्चों ने बच्चों को पता था मेरा बर्थडे है और बच्चों ने ना अपनी पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे जो थे वो कलेक्ट किए थे कि हम केक लेके आएंगे और मामा का केक कट करेंगे और मतलब थोड़ा मामा को हम इंजॉय करवाएंगे और खुद भी होंगे। लेकिन जब आपस में खुसर बुसर कर रहे थे बच्चे तो मैंने कहा क्या बातें कर रहे हो। तो जब मैं डेफिनेटली मैंने सुन लिया था लेकिन मैंने उन्हें फील नहीं करवाया कि मैंने आपकी बातें सुनी है। और जब तकरीबन शाम का टाइम हुआ तो वो केक की बात करने लगे तो अब्बू जो थे, मैं लकीली बोलूँगी कि अब्बू जो थे वो घर नहीं थे, अब्बू कहीं गए हुए। तो फिर मैंने कुछ पैसे अपने से डाल के कुछ मैंने बच्चों के भी पैसे लिए कि बच्चे खुश हो जाएंगे और बच्चे ये ना कहें कि मामा ने हमने तो प्यार से पैसे कलेक्ट किए थे। तो हमने वो पैसे मिक्स करके हमने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें जो थी वो मंगवाई थी। मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं मैकरोनी बना रही हूँ बट थोड़ी सी डिफरेंट इस दफ़ा मैंने बनाई थी। पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी होगी एल्बो मैकरोनी मैं बनाती रही हूँ। इस दफ़ा मैंने थोड़ी उसकी शेप चेंज की और थोड़ा मैंने मैकरोनी का स्टाइल भी चेंज किया कि इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना के ना मैं हम लोग ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी बनी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। चले मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, साथ साथ गपशप भी करते हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, यहाँ पे छोटे छोटे चंक्स जो थे मैंने चिकन के करके उनको हल्का सा मैंने वो कहले फ्राई कर लिया। फिर मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और उसके बाद जनाब प्याज जो था वो मैंने कट करके डाल दिया। और इनको भी थोड़ा सा तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इनको भी तेज आंच पे मैंने इनको जो है कुक किया। और उसके अंदर मैंने नमक डाला, काली मिर्च डाली और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला इस दफ़ा मैंने डाला, थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया। और साथ दही भी डाला था और दही से भी जो है ना वो थोड़ा जूसी जूसी बना था, बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत जूसी जूसी बना था। यहाँ पे मैं विनेगर डाल रही हूँ, शक्कर डाला है, सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है। और ये इस दफ़ा मैंने जो है ना एक एक चम्मच की बजाय मैंने आधा आधा चम्मच जो था ना क्वांटिटी में मैंने ज़्यादा डाल लिया और इतना मज़े का इनका टेस्ट आया था। जैसे सूप में कुछ लोग होते हैं जिनको सॉसेस जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनको सॉसेस के बगैर जो है ना वो सूप पीना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। थोड़ा वो खट्टा खट्टा तीखा तीखा बड़ा मतलब मज़े का टेस्ट आया था। और इस तरह के काम जो है ना वो मैं थोड़े करती रहती हूँ, कभी कुछ ट्राई करती हूँ कभी कुछ ट्राई करती हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात आप लोगों को ये कहनी है कि जो मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी पहली वीडियो से वॉच कर रहे हैं ना उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, इतना सारा प्यार। आज मेरी बर्थडे है और कह रहे हैं कि आज मैं आप सब लोगों को भी अपनी तरफ से प्यार देना चाह रही हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो। तो जल्दी जल्दी से इसी खुशी में अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छे अच्छे व्लॉग्स के लिए आप लोग जो मेरे चैनल पर अभी न्यू आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और लाइक कंफर्म कीजिएगा, करना दीजिएगा, करना है तो करना है। अच्छा ये कुछ चीज़ें थी जो बच्चों ने ऑर्डर की थी जिनमें बर्गर्स थे। पर्सनली मैं आपको बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी मिस्टर पिज़्ज़ा से हम ये चीज़ें ऑर्डर करते हैं, मुझे मिस्टर पिज़्ज़ा वालों के जो बर्गर्स हैं ना मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अहमद को पसंद है। फिर अहमद के समय ये पिज़्ज़ा जो बर्गर्स हैं ना वो ये ऑर्डर करवाने पड़ते हैं। पता है इन्होंने पूरे बर्गर में सारी की सारी मायोनीज डाली होती है और मुझे मायोनीज इतनी बुरी लगती है, मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को मायोनीज बहुत अच्छी लगती है लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। साथ में फ्राइज थे, चिकन फ्राई था। तो बस ये था कि बच्चे जो थे वो खुश हो गए और मैंने भी इंजॉय किया। और मुझे यहाँ पे
बहुत प्यार आ रहा था अहमद पे, क्योंकि ये सारा प्लान जो था ना अहमद का था, और अहमद ने ही पहले दिन से सबको जो है ना वो ये बोला था कि हम पैसे कलेक्ट करते हैं और मामा का बर्थडे करेंगे। खैर एंड करती हूँ आज की वीडियो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलती हूँ कल नए व्लॉग में नए वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।